इस वीडियो में हम रिक्रिएट करेंगे ये टेक्स्ट एनिमेशन फ्रॉम द ट्रेलर ऑफ फुकरे थ्री इज अइड बाई साइड कम्पेरिजन बिटवीन ओरिजिनल वन एंड द वन वी आर गोइंग टू क्रिएट इन फ्लो में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना बैकग्राउंड फिर अपना टेक्स्ट और फिर बाकी के एलिमेंट्स ऑल्सो इस टेक्स्ट एनिमेशन को हम एक प्री की तरह बनाने वाले हैं ताकि हम इसे कभी भी एक सिंपल टेक्स्ट की तरह ही चेंज कर पाए एंड आई बी एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप इन ग्रेट डिटेल सो दैट बिगनर्स ऑल्सो फॉलो लोम एंड एज ऑलवेज इस प्रोजेक्ट फाइल को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नाउ बिफोर वी ओपन आफ्टर चाहूंगा मुझे वीडियो के कोई पैसे नहीं देने वाला बट आई वुड रियलीट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो इनफैक्ट एटी परसेंट व्यूअर वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो इफ यू वॉन्ट मैं आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी एड फ्री टूटोरियल लाता रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू एंड नाउ लेट्स ओपन आफ्टर सबसे पहले हम यहाँ एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे आई टू टेक्स्ट और आप ये सेम सेटिंग्स से चूज कर सकते हो अब अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक न्यू सॉलिड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वाई और यहाँ इसमें ऐड करूंगा फ्रैक्टल नॉइस इसका थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे लेट्स मेक इट अराउंड थाउजेंड और ब्राइटनेस को कम करेंगे आई मेक इट अराउंड इससे हमारी डिटेल्स ऑलमोस्ट गायब सी हो जाएंगी बट अगर मैं इसकी यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी को कम करूं तो यहाँ हम इसे वापस से देख सकते हैं लेट्स मेक इट टू एंड नाउ विल ओपन ट्रांसफॉर्म यहाँ इस यूनिफॉर्म स्केलिंग को अनचैक करेंगे जिसे हम अपनी विर्थ और हाइट को इंडिविजुअली चेंज कर पाए इसकी विथ्थ को मैं एकदम मिनिमम कर दूंगा दैट विल बी वन और इसकी हाइट को करेंगे बड़ा समथिंग अराउंड 500. जैसे ये कुछ इस तरह का देखेगा और अब इसमें मोशन ऐड करने के लिए मैं ऑफसेट टर्बुलेंस के वाई एक्सिस को कुछ इस तरह से चेंज करूंगा बट इसमें की की ऐड करने जगह यूज टाइम एक्सप्रेशन सो प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक और हम सबसे पहले अपनी एक्स वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे और और उसमें और अब

और से scale property Lastly, मैं इसकी स्केल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करूंगा एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर लास्टली मुझे अब इसका सिर्फ हटाना है ताकि हम इस इफेक्ट को सिर्फ साइडों में देखें तो वो करने के लिए अगर मैं इसमें मास्क एड करूं इट विल नॉट वर्क ऑन दिस लेयर इसे हमें पहले प्री कम्पोज करना पड़ेगा सो राइट राइटलिंग ऑन दिस लेयर एंड विली कम्पोज इट विल रीनेट बैकग्राउंड all एंड विल मूव ऑल composition इन we'll click एंड विल क्लिक नाउ आई कैन चूज माईप टूल और सेंटर में आई क्रिएट mask बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट आल ऑबियसली इन्वर्ट दिस मास्क फ्रम हेर और या मैं इसमें थोड़ा सा फेदर भी एड करूंगा नाउ लेट्स एड दी बैकग्राउंड टेक्चर जिसमें हम इन लाइन्स को ब्लेंड करने वाले टेस्टर मैंने लिटली गूगल इमेज से डाउनलोड करा बाइपिंग बैकग्राउंड टेस्टर इसे हम अपनी बैकग्राउंड लाइन के नीचे रखेंगे एंड लेट्स ऑलसो इंपोर्ट दी ओरिजिनल एनिमेशन फॉर रेफरेंस न ओपन इट इन लेयर पैनल और इसको नीचे प्लेस करके इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर सकता हूँ आईल कम बैक टू माई मेन कॉम्प। अब यहाँ हमारी कॉम्पोजिशन में लाइन व्हाइट कलर की हैं बट हमारी ओरिजिनल एनिमेशन में ये लाइन ब्लैक कलर की हैं तो यहाँ मैं अपनी लाइन्स को ब्लैक करने के लिए आई एल एन इन्वर्ट इफेक्ट जो कि ब्लैक को व्हाइट कर देगा और व्हाइट को ब्लैक और अब इसके व्हाइट पार्ट को डाटाने के लिए आई सिंपली ब्लेंडिस इन टू मल्टीप्लाई मोड एंड लाव लेट्स कलर आर बैक ग्राउंड अलैडेक्ट एयर और यहाँ इस व्हाइट वाले पार्ट के कलर को मैं अपनी ओरिजिनल एनिमेशन के कलर के साथ मैच कर दूंगा सिमिलरली अपने ब्लैक कलर को भी सेम कलर करेंगे बट इसके लूमिन को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे एंड नाउ अर बैकग्राउंड इज लुकिंग सम वर्ट सिमिलर बट यहाँ मुझे अपनी लाइन थोड़ी कम लग रही है और ये थोड़ी लाइट भी है हमारी ओरिजिनल इन्वेशन में ये थोड़ी ज्यादा भी है और डार्क भी तो इनको बढ़ाने के लिए आई गो इन साइड दिस बैकग्राउंड लाइन कॉम्पोजिशन और या मैं इन वैल्यूज को चेंज करने की जगह मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट करूंगा बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी और इसके एवोल्यूशन को थोड़ा चेंज करके आई दिस लेयर ऑन स्क्रीन मोड दिस बिफोर एंड आफ्टर लेट्स कम बैक और इसको डार्क करने के लिए आल सिंपली एड को भी मैं कुछ इस तरह से चेंज कर दूंगा दिस बिफोर नॉट लुकिंग मच बेटर लास्टली हम इसमें भी ऐसे ब्लैक बॉर्डर्स एड करेंगे सो एल क्रिएट अ न्यू ब्लैक सोलिड एयर इट ब्लैक बॉर्डर्स और अब इसमें मास्क एड करने के लिए हम अपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ अगर हम अपने मास्क पर भी डबल क्लिक करें तो इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीजो होंगी जिसे हम कंट्रोल प्रेस करके कुछ इस तरह से छोटा कर सकते हैं लास्टली आई जस्ट इन्वर्ट दिस मास्क एंड दट इज एट और बैकग्राउंड इज नॉट डन But अभी हमारी एनिमेशन 24 फोर पे मूव कर रही है जो कि काफी स्मूथ लग रहा है तो इसको थोड़ी कॉमिक फील देने के लिए वी कैन चेंज द फ्रेम रेट ऑफ दिस एनिमेशन टू ट्वेल्व फ्रेम पर तो वो करने के लिए क्रिएट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पोस्टराइज टाइम इफेक्ट यहाँ अभी ट्वेंटी फोर पे है लेट्स मेक इट ट्वेल्व एंड दैट सेट अब इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे होने वाली सारी एनिमेशन 12 फ्रेम पर सेकंड पे, पे प्ले होंगी एंड नाउ लेट्स क्रिएट आर बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टी लेट्स सेम टेक्स्ट फॉर नाउ

And I'll also select this shadow only option. और अब इसके distance को थोड़ा कम करेंगे। I think five is good. This was before. This is after. And now let's create our red shadow. So I'll simply duplicate this black shadow layer. I'll rename it to red shadow. और अब इसके color को change करेंगे। I'll take the color from our original layer. और अब इसके distance को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। Let's make it 15 And that's it. Last हम एक और black shadow create करेंगे, जो हमारी red layer के भी पीछे होगा। तो so let's duplicate our red shadow and rename it to black shadow 2. ज इट्स कलर टू ब्लैक अब इसके डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा बढ़ाएंगे आई एल मे इट सिक्सटीन एंड दैट इज इट अब इन सबकी शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने के लिए आई सिलेक्ट माई स्ट्रोक लेर फर्स्ट एंड विल आई टर्बुल अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू काफी है वी कैन ब्रिंग दम डाउन बाई चेंजिंग द अमाउंट एंड साइज लेट्स मेक द अमाउंट ऑन फाइव एंड द साइज ऑन ट्वेंटी फ्रॉयर एंड विल पेस्ट इन आर शेडो लेयर अब या इन शेडो लेयर में थोड़ा amount बढ़ाया जा सकता है तो I'll make it around 17 here. और सिमिलरली मैं बाकी के शेडो लेयर्स में भी थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे करूंगा एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड अब अगर हम अपनी ओरिजिनल एनिमेशन को देखें तो यहाँ व्हाइट लेयर में थोड़ी सी क्रोमेटिक एब्रीविएशन भी हो रही है तो वो क्रिएट करने के लिए हम सिंपली अपनी मेन टेक्स्ट को दो बार डुप्लीकेट करेंगे और इन तीनों को अब रीनेम करेंगे पहली होगी मेन रेड उसके ऊपर मेन ग्रीन एंड देन मेन ब्लू और अब इन तीनों में हम ऐड करेंगे शिफ्ट चैनल्स इफेक्ट अपनी रेड वाली लेयर में अल्फा को ऐसी रहने देंगे और रेड को करेंगे फुल ऑन और बाकी दोनों को फुल ऑफ फेक्ट फ्रॉम एयर एंड विल पेस्ट इड इन दीज टू ले और अब ग्रीन वाली लेयर में जाके ग्रीन को फुल ऑन और बाकी दोनों को फुल ऑफ और सिमिलरली ब्लू वाली लेयर में ब्लू को फुल ऑन और रेड और ग्रीन को फुल ऑफ और लास्ट में हम अपनी ऊपर की दोनों लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड्स को नॉर्मल से एड में स्विच कर देंगे ना इल सोलो दीज थ्री लेयर्स और अब मैं इन तीन लेयर्स में से किसी को भी मूव करूँ तो यहाँ हमें हमारे टेक्स्ट में क्रोमेटिक क्रोमैटिक एब्रीवेशन देखने को मिलेगी तो अब इसको एनिमेट करने के लिए आई यूज विगल एक्सप्रेशन या मैं इस रेड लेयर की पोजीशन के सिर्फ एक्स एक्स में से ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सिंपली इसकी पोजीशन पे राइट right क्लिक करूंगा और अब ये सेम एक्सप्रेशन मैं अपनी ग्रीन लेक्स में भी एड करूंगा एंड नाउ इट्स लुकिंग रियली गुड आई दम और अब हमारी टेक्स्ट की शेडो में ग्लिची एनिमेशन ऐड करने के लिए आई सिलेक्ट माइ रेड शेडो फर्स्ट एंड आई सोलो इट और इसमें हम ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट अभी डिफॉल्ट से ये इसी लेयर को एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप यूज कर रहा है बट विल क्रिएट आर कस्टम मैप जो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा तो वो क्रिएट करने के लिए आई विल क्रिएट अ न्यू सॉलिड एयर रीनेम इट टू नॉइज मैप और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रैक्टल नॉइज इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे लेट्स मेक इट 450 और अब इसके ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाके इसके स्केल को थोड़ा छोटा करेंगे अराउंड सेवेंटी और अब इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करूंगा लेट्स मेक इट अराउंड टू और अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं इस एवोल्यूशन प्रॉपर्टी को एनिमेट करने की जगह मैं इसके अंदर रैंडम सीट को एनिमेट करूंगा जिससे ये हमारे हर फ्रेम पे अलग टेक्सचर देगा सो so I'll प्रेस Alt and क्लिक ओवर एयर और या मैं सिंपल एक टाइम एक्सप्रेशन एड करूंगा एंड दट सेट एंड नाउ इट विल एनिमट समथिंग लाइक दिस बट अभी ये भी ट्वेंटी फोर एफ पी एस में मूव हो रहा है क्योंकि हमारी पोस्टराइज टाइम वाली एडजस्टमेंट लेर अभी इसके नीचे लेट्स ब्रिंग इट अपड नाउ इट विल एनिमट ऑन ट्वेल्व फ्रेम्स पर सेकेंड अब क्योंकि हम इसे डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह यूज करने वाले हैं हम इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ वापस से अपनी रेड शाइडो को सोलो करके आई कैन चेंज द डिस्प्लेसमेंट मैप फ्रॉम हेयर और यहाँ से विल ऑल्सो सेलेक्ट इफेक्ट्स एंड मास्क ताकि हमारी लेयर के इफेक्ट्स को भी रीड करे अब क्योंकि हमारा नॉइज ब्लैक एंड व्हाइट है मैं अपने हरिजॉन्टल और वर्टिकल में लूमिनन्स मोड चूज करूंगा और यहाँ से हम इस इफेक्ट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं I'll make it two on both horizontal and vertical. And now our shadow will animate something like this. तो अब मैं simply इस displacement map effect को copy करके अपनी बाकी shadow layers पे paste कर सकता हूँ. I'll also paste it on my stroke. और यहाँ मैं अलग-अलग layers पे अलग-अलग amount की displacement add कर दूँगा. And now our animation is almost done. Lastly, अगर मैं अपनी original file को देखूँ, तो यहाँ हमारे white text के ऊपर कुछ-कुछ जगह ऐसी strokes ही आ रही हैं. बट ये काफी कम जगह पे है तो इसको क्रिएट करने के लिए आई सिंपली डुप्लीकेट माई स्ट्रोक फ्रॉम एयर और इसको हम अपने व्हाइट टेस्ट के ऊपर रखे इसकी विथ्थ को कम कर देंगे अराउंड वन इज लुकिंग गुड अब इसके टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट में इसके साइज को छोटा करेंगे और डिस्प्लेसमेंट मैप की इंटेंसिटी को भी वन पे कर देंगे बट अभी भी ये हमारे टेक्स्ट के ऑलमोस्ट हर साइड पे दिख रही है तो इसको मास्क करने के लिए मैं सिंपली इसको अपनी नॉइज वाली लेयर के साथ ट्रैक मैट कर सकता हूँ एंड आई चेंज द मोड टू लूमिनेस और अभी हमारी नॉइज लेयर के सिर्फ वाइट एरिया में विजिबल होगी तो यहाँ हमारी एनिमेशन हो गई है कम्पलीट अब इसको एक प्रीसेट में कन्वर्ट करने के लिए आई डुप्लीकेट वन ऑफ माई मेन टेक्स्ट एंड आई टू मेन टेक्स्ट इसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे और मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको एक गाइड लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको वापस नॉर्मल पे शिफ्ट कर दूंगा एंड आई रिमूव दिस शिफ्ट चैनल इफेक्ट और अब मैं अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या कंट्रोल टी प्रेस करके राइट right क्लिक करूंगा एंड आइल चूज दिस रिवील सोर्स टेक्स्ट इन टाइम अब मैं सिंपली अपनी स्ट्रोक के सोर्स टेस्ट पे ऑल क्लिक करके इसको इसके साथ लिंक कर सकता हूँ

और साथ में इसकी पोजिशन और रोटेशन में भी की फ्रेम एड लूप एक्सप्रेशन एंड सेट और सिमिलरली मैंने इस शेप में भी टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से ही एनिमेशन ऐड करी है एंड दिस इज हाउ द टाइटल एनिमेशन फ्रॉम द ट्रेलर ऑफ फुकरे थ्री वाज मेड हियर इज अ साइड बाय साइड कंपैरिजन बिटवीन द ओरिजिनल वन एंड द वन वी हैव जस्ट क्रिएटेड नाउ आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है सो डू चेक इट आउट और ऐसी देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो our channel go subscribe and i'll see you in the next one